अब तक आपने देखी दो पड़ोसियों की कहानी, जिनमें है आपसी रंजिश और जो एक दूसरे पे वार करते हैं भूत प्रेत से। मैं ये सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वाहियात टाइप का काम ये व्यक्ति किया है। ये हमेशा यही सब कार्रवाई करता है। यह जो है बहुत 7 प्रकार की क्रियाएं करा चुका है। आपने कहा कि भूत तो ये भेजता है, पहले यही सब भेजा है, 9 भूत यही भेजा है पहले। क्या है हकीकत, किसने की ये पहल, किस प्रकार की जंग है ये, आइए देखते हैं। अगर आपको प्रभाकर पसंद नहीं था, आप उससे गुस्सा थे, तो आप उनके घर गुंडे भिजवा देते, डाकू भिजवा देते। जिस भाषा में प्रश्न किया जाए ना, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। खून का बदला खून होता है, भूत का बदला भूत होता है। पहले जो है यही शुरुआत किया, टिकट रखे हैं क्या छाप के, पहले हम शुरुआत किए हैं, पहले जो है शुरुआत ही किया, फिर अब क्या भाई कि अभी तुमको देखो कितना परेशान करते हैं। इस व्यक्ति का जैसा नियत वैसा बरकत है। 7 तो वो खुद किया था, उसके बाद जो 2 रिटर्न दिया ना, वो हमारे महाराज जी का, उसको घमंड पैसे का है, उसके पैसे का घमंड में चूर करता है। नहीं रहेगा, मैं पैसा कमाता हूँ तो नहीं रहेगा। कैसे कमाते हो, शोषण करके कमाते हो। अभी तुम देखो एक मकान तुम्हारे बगल वाला ले रहे हैं, लेंगे लेंगे वो वाला मकान, अभी लेंगे, देखना खाली तुम। मुझे ना प्रभाकर जी के भूत थोड़े ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। हमारे इसके 9 पर हमारे 7 भारी है, 7 हमारे भारी है। कन्हैया, प्रभाकर जी का ये कहना है कि आप उनसे जलते हैं। वाह मैम, पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं, मेरा मालूम है अंगूठा छाप के लोगों से जलना और लगाव मोहब्बत करना एकदम मुझे पसंद नहीं है। तो ये बताइए कि ये बनारस के शक्ति कपूर है? वो नहीं है, शक्ति कपूर और बाकी जितने भी है ना, यमराज है बनारस के लिए। ये है जी, अब यमराज है बनारस के? नहीं, यमराज नहीं है, लेकिन अपने मोहल्ले के लिए तो भाई हम पावरफुल आदमी। क्या किए हैं मोहल्ले के लिए पावरफुल? भाई दबदबा दबंग है, दबंग है मैम, दबंग पावरफुल आदमी है। अपने आप को दबंग बता रहे हैं, ये अपने एरिया का शेर है। एकदम, मतलब अपने एरिया का टाइगर है। आप गुंडा है, गुंडई एकदम, शरीफ गुंडा बनते हैं ये दबंग। और आप अपने एरिया के क्या है? ये तो बिल्ली है, बिल्ली बिल्ली एकदम बिल्ली एकदम। मोहल्ले के अंदर आप जाइए और पूछिए, ये लोग मोहल्ले में नजर ही नहीं आते हैं। कहते ना पीछे से भागता है, इधर से घूम के गली से। पीछे से क्यों भागते हैं बोलिए? मैं पहले इनके दरवाजे की तरफ जाता था, वहीं रखते थे और वो सब क्रिया कराया हुआ। हाँ। सब आपके छोड़ दो, सुबह सुबह देख के क्या पैर ना पड़ जाए। हाँ, पैर ना पड़ जाए, अपना दिन ना खराब हो जाए। हाँ। कहीं व्यंग सुन लीजिए तो दिन खराब हो जाएगा। हाँ। तो मैं क्या क्या दूसरे रास्ते जाने लगा, पीछे से उधर भी ये करते हैं। हाँ। हर 3-4 दिन भी रख देते हो, उधर भी रखते पूछे ना, हर मंगलवार शनिवार रख देता है। से मैं निकलने नहीं दूंगा। हाँ, देख लीजिए मैम, यानी यही सब कार्रवाई करेगा ये, इतना खुल के बोल रहा है यहाँ ये एकदम। आप इन्हें क्यों नहीं जीने देना चाहते? हाँ, ये पूछे क्यों त्रस्त किया, ये सुधर जाएंगे। हाँ हाँ, हम अपने मोहल्ले में जो हमारे के जो मेन सरपंच टाइप के जो आदमी है, उनसे हमने इनको बहुत समझाया, उनको भी बैठा के ड्रिंक कराते हैं, ये जो कि समझाता है, पार्टी में चला गुरु आज लड़े उधर है। तो आप भी ड्रिंक करा के अंदर क्यों नहीं करते? ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा तो आप पे जुल्म करते रहेंगे ये जिंदगी भर। नहीं नहीं, कभी ना कभी पाप का घर भरेगा। आप देखिए, आप चुसे हुए आम लग रहे हैं और ये फूल गए हैं खा खा के। वो तो देखिए, जब हराम की कमाई खाता है तो आदमी ऐसा ही फूलता है। आप डर के मारे पतले दुबले हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जब चिंता होती है ना तो इसी तरह आदमी होता है। तो प्रभाकर जी, आपने कन्हैया का जीना मुश्किल कर दिया है बनारस में। देखिए, अभी भी कह रहे हैं नहीं जीने देंगे। पहले इसने जो हरकत किया, आप अगर उसके लिए, अगर कोई आदमी बैठे बीच में, कोई इसके लिए वो करे। मैं बैठी हूँ ना बीच में बोलने के लिए। वो अभी आपका बात मानेगा, अभी कह देगा यहाँ फिर वही काम इसका शुरू। आपकी तरह नहीं है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं प्रभाकर जी, इस तरह से नहीं मैं कह दूंगा दुनिया के बीच में कि और फिर नहीं। ऐसा नहीं है, आप अपने बात पे अमल करिए, जब 100 ग्राम जाएगा अंदर ना तो भूल जाएगा राम। कन्हैया जी, प्रभाकर ने बताया कि उनकी फैमिली की तबीयत ठीक नहीं रहती, इनके बर्तन बोलने लगते हैं, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती है, हर दूसरे दिन ये बीमार हो जाते हैं। उसका जिम्मेदार वो खुद ना है, क्या हम ठीका लेके बैठे हैं क्या इनके घर का? वो जाने ना, आप जैसा करेंगे ना वैसा फीलिंग होगा ही आपको।
उससे तक हमारे... आपको लगता है कि आपने जो 9 भूत भेजे हैं इसकी वजह से ये हो रहा है? वही लग ही रहा होगा। भले उनके भूतों का नंबर कम है लेकिन उनके भूत आपके भूतों से तगड़े हैं। कुछ नहीं तगड़े बड़े कुछ नहीं है, दो ही में हवा खराब है, 7 दिन का वापस रिटर्न किए थे। ये जो है अब देखिए स्टार्टिंग में जो किया पहले किया तब ना, फिर जब से हमने 7 भेजा है तब से जो है कि अभी परेशान है। तो शुरू में आपको इनके भूतों ने ज्यादा परेशान किया जी। देखिए क्या मुझे बता सकते हैं आप दोनों में से सबसे पहले भूतों की शुरुआत किसने की? इसने किया। पहले इसके तरफ से हुआ है सब। पक्का गारंटी के एकदम गारंटी जलन की भावना रखना, सबसे पहले इन्होंने ये सब काम शुरू किया है। भैया एक बात तो पक्की है कि आप दोनों ने ही भूत भेजे, ये नहीं पता कि किसने पहले भेजा है। ये बताओ आप दोनों ही कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों की दुश्मनी का फायदा कोई तीसरा उठा रहा है? नहीं मैम, क्योंकि दूसरों के झगड़े देखना बड़ा दूसरों को अच्छा लगता है। मेरा ऐसा झगड़ा नहीं है, नहीं तो ना ये 3 साल से जो जो कमेंट मुझे किए हाथा पाई और बहुत कुछ हो चुका। पहले पहले मैडम पहले हमारे साथ थैंक गॉड कि आप दोनों में हाथा पाई नहीं, बर्दाश्त की सीमा जो पहले हमारे साथ में इन्होंने घूमते थे, नाश्ता करते थे, खाते थे, पीते थे। पहले पहले हाँ पहले हमारे साथ जो है छोड़ेंगे छोड़ेंगे दम मगर तेरे घर में भूत छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों कि ये जय वीरू की दोस्ती ठाकुर और गब्बर में कैसे बदल गई? नहीं नहीं आप पहले दोनों दोस्त थे। नहीं नहीं ये कह रहे हैं वो ऐसे अब बाबू आप नहीं ना ये दोस्त हैं पहले हाँ हाँ पहले जो है ना पहले मेरा स्टेटस क्या है पहले मित्रता थी हमारी आपकी। आप वहाँ पे नहीं खाते थे, नाश्ता नहीं करते थे हमारे साथ? हाँ यार रबड़ी मलाई, रबड़ी मलाई, रबड़ी मलाई हमने तुमको खिलाया है, अपने दुकान में बैठा के तुमको चाय पिलाते थे। यार आप चाय की दुकान है क्या यार? नहीं चाय दूसरे से मंगवा के अपने दुकान में पिलाते थे। दूसरे से मंगवाया अपने घर में आप यार पिलाते हैं? नहीं हम बाहरी के अपने घर में चाय नहीं बनवाते। अच्छा देखिए ये दोस्ती है, मुझे लगता है कि इसीलिए दूसरों को जलन हो गई। हाँ जलन, ये दोनों दोस्त मस्त रबड़ी मलाई खाते हैं, अब इन दोनों को अलग करो भूतों के द्वारा ताकि उनको रबड़ी मलाई मिले। कोई दूसरे का नहीं इसी का हरकत है। तो प्रभाकर जी चलो भूत तो भेज दिए, मगर ये जो आइडिया है भूत भेजने का, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? तांत्रिक जी ने बताया कि आप पैसा कुछ दीजिए और जो ये सब काम रहे वो करेंगे, वो तो तांत्रिक जी ही बताएंगे। इन्होंने कहा कि आप तांत्रिक जी को गुलाब जामुन जलेबी रबड़ी और हर चीज खिलाते हैं। पैसा भी है? पैसा भी खिलाते हैं क्या? ये बात सच? पैसा तो बिना देखिए इसमें पैसा का कोई काम नहीं होने वाला। नहीं तो व्यवसाय नहीं होता। देखिए तांत्रिक जी कुछ काम इनके लिए नेक करते हैं तो पैसा तो लेंगे ही ना। आप जब भूत भेजते हैं तो आपके तांत्रिक पैसे नहीं लेते? नहीं मेरे इतने नहीं लेते हैं क्योंकि मेरे तांत्रिक जो है ये सब व्यवसाय नहीं बनाए, ये सब चीज जो आपके तांत्रिक फ्री में भूत भेजते नहीं, कॉमर्शियल नहीं है मेरे तांत्रिक उनका 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 रिटर्न करते हैं। अब ऐसा है ना कि अब इनकी बुद्धि हो गई है खराब, इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। अभी हम इनके तांत्रिक से अपने तांत्रिक को भिड़ाएंगे यहीं पे भिड़ाएंगे। क्या बात है? ये भिड़ने भिड़ाने वाले लोग मूर्ख होते हैं। ये जो भेड़ो यहाँ भेड़ो का होता है? ये भेड़ो का अखाड़ा नहीं है प्रभाकर जी। आप तांत्रिक क्यों लेके आए? इनका पूजा करने के लिए यहाँ? तो आप क्यों लेके आए? क्या लेके आए? मैं तो लेके आया हूँ। आपको लगता है कि आपके जो तांत्रिक बाबा है जी, वो इनके तांत्रिक से थोड़ा डर गए? कुछ एकदम एकदम भाग ले गए हो? एक तरह से ये युद्ध आपके और प्रभाकर के बीच नहीं, आप दोनों के तांत्रिक के बीचों में हो रहा है? नहीं नहीं ऐसी नहीं बात है मैडम, मैं तो सुरक्षा कवच लिया अपने, ब्राह्मण बाबा है मेरे बाबा, तांत्रिक नहीं है, वो सब फर्जी फावड़ा यही है। हमारे फर्जी नहीं, मेरा ओरिजिनल तांत्रिक। पूछ लेना यार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओरिजिनल तांत्रिक, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनकी क्रिया हमारे बाबा की क्रिया। अभी देख लेते हैं, देखो ये जनता भी जो है सब मंत्र पूजा जाप जब तक के रहते होंगे, विश्वास करते होंगे तुम्हारी तरह अघोर पंथ पे नहीं। नो इन्होंने पहले यही सब ने किया, पहले जो इनके पुजारी जी ने 7 रिटर्न किया और 2 एक्स्ट्रा भेजा, बस
नौ इसी में तिल मिला गए, दो में खाली तिल लाए मेरे। तो आपने इन्होंने नौ भेजा तो हमने सात भेजा, तो आपने और दो क्यों नहीं भेजा फिर? नहीं, हमारे सात ही पावरफुल है, मतलब हारो तो हुरो जीतो तो थुरो। अरे तो ही है, हारो तो हुरो जीतो तो थुरो। थुरो बहुत ऊंचा है, हम ही थुरना है। ये देखिए हर जगह गुंडई है, दबंग गई रात टाइम इसका रहा पीने का, इसलिए ऐसे बतिया रहा है, टाइम हो गया चढ़ाने का। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, आई बात समझो ना प्लीज। दो मिनट के लिए आप लोग एक दूसरे के मुंह ना लगे, क्योंकि मैं ब्रेक लेने वाली हूँ। इतनी सॉलिड भूत की स्टोरी तो राम से विक्रम भट्ट और राम गोपाल वर्मा भी नहीं सोच सकते, ये सिर्फ राखी के शो की गजब कहानी ही हो सकती है। प्रभाकर और कन्हैया, आप जिन भूतों से टेबल टेनिस खिलवा रहे हैं, आइए अब उन भूतों के कोचिस से मिलते हैं। एक तो क्रिकेटर के कोच सुने थे और ये भूतों के कोच है। तो पहले हम बुलाते हैं प्रभाकर जी के कोच को, लेकिन ब्रेक के बाद। अरे गजब हुआ, अजब हुआ, अजब हुआ, गजब हुआ, राखी के साथ। तांत्रिक जी, क्या आपको लगता है कि वो जो नौ भूत हैं वो पीछा करते करते यहाँ तक भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं।